जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त और सभी के दिन सही से जा रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो ईद के दिन देख रहे हो तो दिल से ईद मुबारक, और अगर आप फिर के दिन देख रहे हो तो एडवांस ईद मुबारक। ठीक है, तो ईद मुबारक है, ईद मुबारक है, ईद मुबारक। खैर मुबारक बोलो सभी हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो खैर, आज है अरफा और कल ईद है, और ईद को दरवाजा कोई खटखटा। तो खैर, अभिषेक भाई अभी आ गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम से। ठीक है, तो ईद है कल, कुछ थोड़ा सा काम वगैरह है, इसको कटाई करनी है एहसान को, और मुझे भी कुछ काम है, वो दिखाएंगे क्या काम है। ठीक है, फिलहाल के लिए चलते हैं, घर भी बैंकर वाली हो रही है, बहुत दिन के बाद हम कॉलेज से बात कर रहे हैं, तो टाइम भी आ गया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। खैर, अभी हम जा रहे हैं पहले चाय पीने, तो फिर नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि नमाज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ जी, चाय भी हो गई थी, नमाज भी हो गई थी, और ये देखो ये क्या हो गया, ये भाई देखो, और ये क्या फाइट चुपके बैठे हैं। मतलब सुबह तक एकदम नॉर्मल टेम्परेचर था, सुबह थोड़ी सी बारिश हुई थी, फिर अच्छी खासी धूप हुई थी, तो अभी हम बाहर जा ही रहे थे, तो ये बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो एक नंबर वाली, ये देख रहे हो, 10 सेकंड जाओगे ना बारिश में पूरा भीग के आ जाओगे, खाली 10 सेकंड। चलो ये देखो, जायद भाई कह रहे हैं मुझे वीडियो बनाओ, देखो किस बारिश में भीग रहा है। ओ नहीं, वीडियो ना, फोटो आया मैं तो। अच्छा, इसका कहने का मतलब था फोटो उठाओ और मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, बारिश हल्की सी रुक गई, पर ऐसा जिद कर रहा है मुझे बाहर जाना है, इसको बाहर किसी भी हाल में कटाने हैं, पर थोड़ी सी मुझे अब डर लग रहा है वो तेज वाली बारिश में हो जाए। अगर तेज वाली बारिश हो गई, फोन भी गीले हो जाएंगे, कपड़े सारा कुछ गीला हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अल्लाह पर छोड़ते, निकलते हैं यहाँ से, और निकलते हैं फिलहाल के लिए। चलो भाई जी, जब बारिश होती है यहाँ से पूरा भर जाता है, अभी उतनी बारिश नहीं हुई, 5-6 मिनट हो गई थी बस। भाई जी, बाहर जाते जाते कॉलेज का व्यू चेक करो, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, हरा भरा, और ये देखो पार्किंग, यहाँ पर गाड़ियाँ रखते हैं। चलो देखो, दो ट्रक का काम किया है इसमें, देखो वाह भाई, वही देखो और एक, वाह जी वाह, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आ हाँ जी, वहाँ से पकड़ लिया हमने ऑटो और आगे क्या कह रही, ठीक है, छोटा मोटा मार्केट है इधर ही, बाल कटिंग कराएंगे इसके, और कुछ खा पी के दिखाएंगे क्या सीन है इधर का। ठीक है, चलो भैया चलने के लिए, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ट्रैफिक जाम लग गया, हम रास्ते में उतर गए, अभी भी ऑटो पीछे है। और ये देखो जहाँ से हम चाह रहे हैं वहाँ से देखो, ये देखो ये बंदा देखो कहाँ से आ रहा है। वाह, हाँ जी पहुँच गए नाई के पास, थोड़ा सा ही चलना है। ठीक है भाई जी, ये बिल्डिंग चेक करो, हॉस्टल से पहले हम इधर ही आए थे, ये बिल्डिंग चेक करें, मतलब रूम लेने यहाँ पर। ठीक है, हम जो ही गार्ड के पास गए, हमने बोला रेट वगैरह का क्या है, उसने बोला यहाँ पर रूम नहीं देते, पूरा फ्लैट खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो फिर क्या कर सकते, 20-25 लाख का फ्लैट था, तो खरीदेंगे, जल्दी खरीदेंगे। चलो जल्द आप नाई के पास चलते हैं, बहुत देरी भी हो गई, देरी नहीं है अभी, थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, खैर उसको कटिंग करने फिर भीड़ लग जाती है। ठीक है, तो चलते हैं, और यह कुछ सीन, छोटा मोटा मार्केट चकेरी, पहुँच गई जी शॉप पर। हाँ जी, कटिंग वगैरह हो गई है, अब चलते हैं, अब लग रहे हैं हीरो। चलो हाँ जी, काफ़ी देर भी हो गई है, अब चलते हैं, तो कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर चलते हैं। ठीक है भाई जी, अंधेरा देखो, काफ़ी अंधेरा हो गया है, अब चलते हैं। 10 रुपए के 2 आम भी खा लिए हमने, अभी करे ऑटो का वेट, तो चलते हैं। क्या गया, रुको भाई। हाँ जी, पहुँच गए इधर, इधर कुछ खाएंगे पियेंगे फिर चलते हैं रूम में। भाई जी, ये जो रोड है ना, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, 40-50-100 की स्पीड से गाड़ियाँ जाती है। लेके आओ कोई, हाँ आ जाओ। हाँ जी, थोड़ा सा पेट पूजा हो गया, तो अब ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं माउंटेन ड्यू, क्योंकि हॉस्टल का खाना सूट नहीं करता, बहुत गंदा होता है उधर। मैं किसी को रिकमेंड ही नहीं करूँगा, जो आएगा के आई टी में पढ़ने, किसी को मैं नहीं बोलूँगा कि हॉस्टल में आ जाओ, इतना घटिया खाना मिलता, सही में बोल रहा हूँ। खैर, अभी हम आ गए थे बाहर कुछ खाने, तो आप चलते हैं रूम पर, तो देर भी होगी, 8 बजे टाइम आ गया। ज़्यादातर हम खाना बाहर ही खाते हैं ना, मतलब हॉस्टल में कम ही खाना खाते हैं, कितना घटिया खाना मिलता है ऊपर से, क्या ये बताएगा। तो खैर, इतना तो झेलना पड़ता है, हॉस्टल में रहेंगे तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से कल ईद है, सब लोग घर में ईद मना रहे होंगे अपने अपने घर पर, और हम यहाँ पर
मुसीबत में फंसे हैं गर्मी में और ऊपर होटल के खाने में, क्या कर सकते हैं यार। हाँ जी, पहुँच गए वापस हॉस्टल, तो अब चलते हैं रूम पर। तो हाँ, हॉस्टल का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे पता है वहाँ क्या बना है आज, तो चलते हैं डायरेक्ट रूम पर। तो हाँ, अभी ना बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी मस्त है, तो एकदम सुहाना सुहाना मौसम है। पता है मौसम मस्त को क्या कहते हैं कश्मीर में? आज का मौसम ज़बरदस्त, आज का मौसम ज़बरदस्त। चलते हैं रूम पर, बहुत हो गई कश्मीरी लैंग्वेज। चलो, बाहर से हॉस्टल ना होटल से कम नहीं लग रहा है, ये देखो, और अंदर चूहों से और अंदर तो पता ही है चिपकलियों की भीड़ और चूहों की। भाई जी, ये जो टॉप फ्लोर है फर्स्ट ईयर वालों के लिए एकदम मस्त रहता है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये तो पता ही है सबको। टॉप फ्लोर तो मैंने आपको दिखाया था पहले पहले जब मैं यहाँ आया था, काफ़ी मस्त है। तो हाँ, वहाँ पर चूहे वगैरह भी नहीं है, टाइल वगैरह बिछा है, लॉकर एकदम मस्त, क्योंकि फर्स्ट ईयर आते हैं दिखाना पड़ता है भाई, सब कुछ है। फिर बाद में सेकेंड ईयर में क्या करना पड़ता है, उनको दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट करते हैं, और जो नए फर्स्ट ईयर आते हैं उनको टॉप फ्लोर पर जाके जाते हैं। भाई जी, मैं कल ईद है, तो फिर से ईद मुबारक है, ठीक है, चुप करो। तो हाँ, सब लोग घर में ईद मना रहे होंगे, और हम यहाँ पर गंदा सा होशो का खाना खा रहे, बहुत ज़िंदगी में पहली बार मैं घर से बाहर ईद मना रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम है, और मुझे अभी बहुत घर की याद आ रही है। जी, मैं घर की बहुत याद आ रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे ईद बाहर मना रहा हूँ आउटसाइड जे एंड के, ठीक है। तो हाँ, क्या ही कर सकते हैं इसमें, ये जो किस्मत में लिखा होता है वो होता है। तो खैर, अभी आ गए हम रूम में, अभी काफ़ी गर्मी लग रही है। ये देखो कपड़े हम कहाँ सुखा रहे हैं, ये देखो, वाह जी वाह, क्या बात है, क्योंकि यहाँ पर बालकनी नहीं है, मतलब इस वाले फ्लोर को छोड़ के बाकी सब में बालकनी है, इस वाले में नहीं है, ये आप देख सकते हो खाली इसमें। हाँ, इसमें भी बालकनी है, ये वाली देखो, ये बालकनी है, ये देखो, तो ये बालकनी है यहाँ की।